अब सबों की सुशा है। फिर एक बार परमेश्वर ने हमको और आपको मौका दिया है कि हम एक संगति में होकर एक साथ मिलकर हम उसकी इबादत करें, हम उसके वचनों को सुने, हम उससे प्रार्थनाएं करें। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक ऐसा मौका दिया है जहाँ पर कि हम इस संध्या काल को जीवित देखने पाते। ना जाना कितने लोग इस लोक से उठा लिए गए, हम नहीं जानते। थोड़े देर पहले मेरे पास तुरंत 10 मिनट पहले तो खबर मुझे पास मिला कि 2 लोगों की गीत की सूचना मुझे मिली। सोचिए कि कितने लोग आज इस शाम को देखना चाहोगा, लेकिन उनके जीवन में यह अवसर नहीं मिला कि शाम को देख पाते। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें जिंदगी दी और इस सुंदर समय को देखने का सुंदर अवसर प्रदान किया। तो आइए हम इस सुंदर शाम को हम उसकी इबादत में बिताएं, हम उसके आराधना में बिताएं, हम उसका धन्यवाद करते हुए शाम को बिताएं, हम उसे प्रार्थना में शाम को बिताएं। हमारे लिए अवसर दिया परमेश्वर ने कि हम उसकी स्तुति उसकी इबादत करें। आज हमारे पास में फिर कुछ लोगों का लिस्ट आया है जिनको परमेश्वर ने पिछले दिनों चंगाई दिया है, और उसमें है जोर्ज तिर्की की माँ लिखा है नाम, उसके उस माता का नाम लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन जोर्ज तिर्की की माँ को परमेश्वर ने कोविड से चंगाई दिया है। और जूलियस नताल के परिवार के सभी सदस्य जो कोविड-19 से पीड़ित थे, परमेश्वर ने जूलियस नताल के परिवार को भी चंगाई से भरा है। और बहन अंगूरी एक का जो कोविड से पीड़ित थी, परमेश्वर ने इसको भी चंगाई दिया है। प्रदीप टोपो, इसको भी परमेश्वर ने कोविड से चंगाई दिया है, कोरोना से चंगाई दिया है। और ज्योति रश्मि कच्छप को भी परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। तो आज इतने सारे लोगों को परमेश्वर ने अपने अध्याय से अपने अनुग्रह से बचाया है, चंगाई दिया है, और ये लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम उनके साथ मिलकर भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तो आइए चलिए हम सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम को आरम्भ करें। हम प्रभु की स्तुति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और फिर प्रार्थना बन जाएंगे, सब धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, उसके बाद आज के वचन के सुगाए मांगे जाएंगे। आइए गीत को गाएंगे, यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। इस गीत को गाते हुए आज की इस प्रार्थना सभा को हम आरम्भ करेंगे। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे सब पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे सब पाते उद्धार। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां का दिया, हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु का नाम है सा।
जीवित और महान परमेश्वर यहोवा, सारे सृष्टि का मालिक, हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु आपको सारे मन से आदर महिमा धन्यवाद देते हैं। आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं और आपने हमसे बेअंतहा प्यार कर प्रभु, और इसी प्यार को प्रकट करने के लिए आज से 2000 साल पहले आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को धरती में भेजा ताकि उसके क्रूस दुख मृत्यु के द्वारा हमारा उद्धार हो जाए, उसे कोड़े खान से चंगे हो जाए। हे सृष्टिकर्ता अबा, आपके इस महान प्रेम के लिए हम आपको सारे मन से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवन जो आपने हमको दिया है। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो तू हमें देखने को सुंदर अवसर दिया प्रभु। हर एक गुनाह से सुंदर जो अब तक हमें दिया है धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके लहू के लिए जो आपने हमारे लिए बहाया है, आपके कोड़े खाने जो आपने हमारे लिए खाए हैं, आपने जो कष्ट दुख उठाया उसके लिए, और जो आपने उसके में उस बड़े प्रेम के लिए हम आपको सारे मन से धन्यवाद देते हैं। सचमुच तो ये हमारा प्रेमी प्रभु है, तो ये हमारा उद्धार करता है। हमने आपने विश्वास ईमान लाया प्रभु, इस घड़ी हम पर अनुग्रह कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे। हर एक सुनने वालों के समय तो स्पर्श कर प्रभु, और एक अपने लहू से धोकर पाप को पवित्र कर, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि केवल यीशु का लहू ही है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसे घड़ी हम ऐसे बहुतों को आशीषित कर पिता, और आज की शाम पिता जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं प्रभु, अपने दुर्बल दास की जुबान से बोल, ताकि हर एक जन उन वचनों को सुन सके, उस संदेश सुन सके जो आप हमें देना चाहते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं। इसके पहले कि हम और आगे बढ़े प्रभु, हम इन विश्वासियों के साथ मिलकर जिन्हें तूने चंगाई दिया है पिता, हम उनके साथ मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि सचमुच तेरे अनुग्रह से ही प्रभु, आपके दया से प्रभु, इन्होंने चंगाई को प्राप्त किया है। जो देखी कि माँ जिसको आपने कोविड से चंगाई दिया है, जूलियस नताल परिवार को जिसको आपने कोविड-19 से चंगाई दिया है, अंगूरी एक का जिसको आपने कोविड से चंगाई दिया है प्रभु, प्रदीप टोपो को जिसको आपने कोविड-19 से बाहर निकाला है, और ज्योति रश्मि का चंद आपने स्वस्थ रखा है, इन सारे लोगों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, क्योंकि इनके लिए प्रार्थना की गई और आपने इनके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया प्रभु, और आपने हरे विश्वास के पिता आपने पर दया किया, आपने अनुग्रह किया और आपने चंगाई दिया प्रभु। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उन्हें दे ये सारे लोग हमेशा स्वस्थ रहने पाए, और पिता होने दे कि इनका विश्वास आपके प्रति बढ़े, और ये पिता हमेशा आपका धन्यवाद बनकर आपके आज्ञाओं का पालन करते हुए इस धरती पर अपना जीवन बिता सके। हाँ प्रभु, कितने लोग आज कोरोना वायरस से मर गए। अभी थोड़ी देर पहले भी संदेश मिला कि एक किसी का कोरोना वायरस मृत्यु हो गई, लेकिन आपने इन्हें कोरोना से संकट से निकाला प्रभु, बचाया परमेश्वर, मृत्यु के फंदे से निकाला है। हाँ प्रभु, आपने इनको छुटकारा दिया, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर होने दे कि तेरे विश्वास में मजबूत पाए जाए। परमेश्वर अब हम चाहते हैं प्रभु कि आप बोलिए, परमेश्वर हम सुनेंगे। सचमुच जो कुछ भी आप बोलना चाहता है आप बोलिए। आइए स्वामी, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आइए, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दुर्बल दास के देह पर कब्जा कर दिए स्वामी जी, मेरी जुबान से आप स्वयं बोलिए। आपको धन्यवाद सदा, आपकी महिमा, आपकी स्तुति सदा पिता यहोवा, इस घड़ी हम पर अनुग्रह, आपका अनुग्रह छाई करते रहने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, दीनताई की प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना सुनने वाले दास से ग्रहण कर लीजिए, आमीन और आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जबकि हम रोज प्रतिदिन के जीवन में सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन से सुनते हैं, लोग सुनते हैं कि कितने लोग रोज बरोज के जिंदगी के अंदर में कोविड-19 के शिकार होकर इस दुनिया से कुछ कर जा रहे हैं। आज भी कईयों का जीवन चला गया अस्तित्व लोग से, बहुतों की मृत्यु हो गई। लेकिन आज जब हम अपने आप को देखते हैं, तब अपने आप को पाते हैं कि हम आज जीवतों के लोक में हैं। सचमुच में अगर आज मिट नहीं गए तो इसके पीछे यहोवा का महाकरुणा है। हाँ मेरे भाई बहनों, अगर आज हम जीवित हैं तो इसके पीछे हमारी कोई धार्मिकता नहीं, हमारी कोई आयु नहीं, हमारा कोई अच्छा स्वस्थ नहीं है, लेकिन इसके पीछे तो केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। और इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए सबसे पहले हम उसको धन्यवाद का भेंट चढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद सदा हो। आज के लिए हम लोग थोड़े से वचन सुनेंगे, एक छोटा सा संदेश सुनेंगे, और जो हमें लिखा मिलता है अगुवाई के लिए भजन संहिता के 15 अध्याय और उसका 50 अध्याय, भजन संहिता 50 अध्याय का 15 पद, यहाँ पर ऐसा लिखा मिलता है, भजन संहिता 50 अध्याय का 15 पद में यहाँ पर लिखा मिलता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। पूरे विश्व के अंदर में संकट है, पूरे विश्व के अंदर में हाहाकार है, मसीह समाज के अंदर में भी
कोरोना वायरस का संक्रमण प्रवेश कर चुका है और बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग कुछ कर गए हैं। कलीसियाओं में भी इतना ही माम है, संकट है और लोग तरह ही तरह कर रहे हैं, लोग आंसू बहा रहे हैं, लोग भयभीत हैं। देखिए आज के इस सुंदर समय में, इस संकट के बेला में परमेश्वर का वचन हमें युवाओं देता है और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हम इस समय इस संकट में हम किसको पुकार रहे हैं, हम अपने आंखें किसकी ओर लगा रहे हैं, हम किसकी ओर ताक रहे हैं समय में, यह हमारे लिए सोचने का विषय है। इस संकट के समय में, इस महामारी के समय में हम किसको पुकार रहे हैं, हम किसकी ओर ताक रहे हैं, किसे चंगाई की आशा रख रहे हैं? क्या डॉक्टरों से, केवल अस्पताल से, दवाइयों से या कुछ और? वचन तो कहता है संकट दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुम्हारी महिमा करने पाएगा। यह परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का वचन है। भजनकार कहता है भजन संहिता 55 अध्याय का 16 पद में से, भजनकार कहता है भजन संहिता 55:16, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। उसके अंदर विश्वास है, भजनकार के अंदर विश्वास है, दाऊद का यह भजन है और दाऊद का विश्वास है कि परमेश्वर उसको बचा लेगा जब वो उसको पुकारेगा। इसलिए दाऊद कहता है, बहुत हिम्मत के साथ कहता है, विश्वास के साथ कहता है दाऊद, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। भजन संहिता की किताब और उसका 18 अध्याय और उसका 5 पद से लेकर 6 पद देखेंगे, यह पद दाऊद क्या कहता है अपने विषय में। भजन की किताब भजन संहिता 18 अध्याय और उसका 5 और 6 पद, यहां पर लिखा है, पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। क्या बोल रहा है दाऊद? अपने संकट के बारे में बता रहा है। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। आगे बोलता है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी, यानी कि उसने मेरी प्रार्थना को, मेरे गिड़गिड़ाता पुस्तक किया सुन लिया। कहता कि पताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे भी मुझ पर आ गए थे, और ऐसे संकट के समय में जब मेरे पर मृत्यु हावी हो रही थी, मैंने अपने परम से यहोवा को पुकारा, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और मैंने कहता मैंने अपने परम से की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी और उसने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और परम से ने उसको बचा लिया। जब आप देखने पाते हैं दाऊद कहता है भजन संहिता 34 अध्याय के 6 पद में, यहां पर लिखा है भजन संहिता 34 अध्याय के 6 पद में, इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहां पर भजनकार कहता है इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। मेरे भाइयों बहनों, आज का संदेश क्या है हमारे लिए और आपके लिए? संकट इस घड़ी में हमको सबसे पहले उसको पुकारना है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है, जो हमको हर संकट से बचा सकता है, जिसने हमसे वायदा भी किया है कि संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो सबसे पहले हमको उसी को पुकारना है। दाऊद के जीवन के अंदर में, दाऊद राजा के जीवन में हम देखते हैं कितने बार उसके जीवन में मुसीबतें आई, कितने बार उसके सामने मौत आकर गुजर गया, लेकिन दाऊद हमेशा अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और संकट में हमेशा उसने उसी को पुकारा और परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। और दाऊद के भजन में से हमारे लिए बहुत सारे बातें शिक्षा के रूप में आती है या हमारे हौसला को बुलंद करता है। जब दाऊद ने पुकारा तो परमेश्वर को छुड़ा लिया, तो आज हम भी यदि पुकारते हैं परमेश्वर को तो परमेश्वर हमको भी छुड़ा सकता है।
दाऊद कहता है इस दिन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा दिया। परमेश्वर कहता है मैं उनके पुकारने से पहले उनके सुन लूंगा। हम परमेश्वर को नहीं पुकारते, हम उस वक्त अपना ईमान और विश्वास नहीं लाते। बेशक हम और आप मसीही हैं, हम किसी न किसी कलीसिया के सदस्य हैं, हम कहते हैं हम तो ईश्वर के घर के लोग हैं, लेकिन जब संकट की घड़ी आती है, जब महामारी आती है, ऐसे समय में हमको सबसे ज्यादा जिसको पुकारना चाहिए हम उसको बिसार देते हैं, उसी को भूल जाते हैं। जबकि परमेश्वर का आह्वान है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमारे लिए है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाएगा। दाऊद कहता है पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। दाऊद को भी मृत्यु का सामना करना पड़ रहा था, उसके उसके जीवन में भी मृत्यु का संकट था, लेकिन भक्त ने यहोवा को पुकारा, बोलता उसने मेरी दुआएं को सुन लिया, अपने मंदिर में से मेरी प्रार्थना को, मेरी दुआएं को सुन लिया और मुझको क्या किया, छुड़ा लिया। मेरे भाई बहन, विपत्तियां दुनिया में तो आएंगे, तो आएंगे ही, हम चाहे मसीही हैं चाहे गैर मसीही हैं, जब तक संसार में जीते हैं हम और आप, बहुत सारी विपत्तियां आएंगी जिससे हम और आप भी बच नहीं सकते, वह विपत्तियां हम पर भी आ पड़ेंगी, लेकिन सबसे पहली बात हमारे लिए यही है कि हम उन विपत्तियों से पार हो सकते हैं जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को पुकारते हैं, हम उस संकट से विपत्ति से निकल जाते हैं। वचन का नाम लिखा हुआ है भजन संहिता 34 को इस पद में, भजन संहिता 34 अध्याय को इस पद में लिखा है धर्मी पर बहुत से विपत्तियां पड़ती तो हैं, ऐसा नहीं कि धर्मी पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती, सबसे ज्यादा विपत्तियां तो धर्मी पर ही पड़ती है। यहां लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सबसे मुक्त करता है। परमेश्वर अपने लोगों को विपत्तियों से मुक्त करता है। हमने कहा कि जब तक संसार में हम और आप जीते हैं तब तक विपत्तियां, रोग, महामारी का सामना हमें करना ही करना है। विपत्तियां आपको भी स्पष्ट करेंगी, हम मसीह के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, उसके बावजूद भी विपत्तियां हमें छुएगा, लेकिन सबसे पहली बात हमारे लिए यही होती है कि परमेश्वर हमको उन विपत्तियों से पार लगा देता है। अभी हमने सुना भजन संहिता 34 को इस पद में से लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है। धर्मी करने का मतलब मसीह के विश्वासी लोग, हम कर्मों से धर्मी नहीं बनते मेरे भाई बहन, हम यीशु मसीह पर पूर्णतः विश्वास करने से, उसके पुरुष मृत्यु पर, उसके लहू की सामर्थ पर, उसके जीवने के सामर्थ पर जब हम पूर्णतः विश्वास से मान लाते हैं तो यह विश्वास हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है, विश्वास द्वारा धर्मी गिने जाते हैं। लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती तो हैं परंतु यहोवा उसको उन सबसे मुक्त करता है। और भजन संहिता 34 का 22 पद में यह भी लिखा है, भजन संहिता 34 अध्याय का 22 पद में यह भी लिखा मिलता है आपको, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। और आगे लिखा है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा, कोई भी दोषी ना ठहरेगा। मेरे भाई बहन, यहां पर लिखा है परमेश्वर अपने दासों का, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, हर समय उसकी दुहाई देते हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, लिखा है यहोवा अब उन दासों का प्राणों को मोड़ लेकर बचा लेता है। वही तो परमेश्वर के दास हैं जो अपने स्वामी की बात, जो स्वामी के बात को मानते हैं। अगर स्वामी की बात ना माने तो दास दास नहीं कहलाएगा, वो तो उदंड कहलाएगा। यहां पर देखते हैं कि यहोवा अपने दासों का प्राण मोड़ लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं, जो उसके शरण में आते हैं, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा, तब वो उनको क्षमा करेगा। हमने सुना कि रोग और दुख जो आता है वो हमारे व्यक्तिगत पाप के कारण से भी आता है, या पुरखाओं के पाप के कारण से भी हमारे जीवन में आता है। हमने पहले के संदेश में सुना था, लेकिन जब हम परमेश्वर के संदर्भ आते हैं तो परमेश्वर हमको दोष मुक्त करता है। लिखा है ना
जितने उसे शरणागत हैं, शरणागत मतलब जो उसके शरण में आते हैं, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। तो आज जब आपके जीवन में संकट है, बीमारियां हैं, आफत है, महामारी का डर है, भय है, तो ऐसे समय में हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको पुकारना चाहिए, उससे दुआ करना चाहिए, उसके आगे घुटना टेकना चाहिए जो कहता है कि संकट में मुझे पुकार, और उसका नाम क्या है, यहोवा। यीशु मसीह के नाम में हम घुटने टेकें और प्रार्थना करें कि प्रभु इस महामारी से, इस संकट से मुझे बचा। इस महामारी के समय हमको क्या करना चाहिए, यदि हम बीमार हैं तो सबसे ज्यादा हमको प्रार्थना भी करना चाहिए, प्रार्थना ही करना चाहिए। वचन में हमें अगुवाई मिलता है याकूब 5 के तरह पद में से, वचन में से अगुवाई मिलता है याकूब 5 तरह, वहां पर लिखा है यदि तुम्हें कोई दुखी है तो आप प्रार्थना करें, यानी कि परमेश्वर को पुकारे, उसकी दुहाई दे। लेकिन आज हमें से अधिकांश लोग ये काम नहीं करते, बीमारी हालत में भी वो ईश्वर को भूल जाते हैं, कहते तुरंत मुझको हॉस्पिटल ले चलो, मुझको डॉक्टर के पास ले चलो, तुरंत कॉल करो डॉक्टर को, फलाना दवाई लाओ, ये दवाई लाओ। लेकिन एक विश्वासी जो होता है, जो रियल लाइफ में सच्चा विश्वासी होता है, जो सचमुच ईश्वर विश्वास करता है, सबसे पहले वो ईश्वर को पुकारता है, क्योंकि जानता है वो व्यक्ति कि ईश्वर चाहेगा तभी मैं बचूंगा, नहीं तो फिर नहीं बचूंगा। आज बहुत सारे पादरी मर गया, बहुत सारे पास्टर्स लोग मर गए, बहुत सारे मसीह समुदाय के लोग मर गए, मानना तो नहीं चाहिए था ना, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाया होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने परमेश्वर के खिलाफ में कहीं ना कहीं कुछ काम किया होगा, या कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अविश्वास को दर्शाया होगा, और आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन ऐसा भी हम कह सकते हैं कि शायद उनकी आयु भी पूरी हो चुकी है, होगी, और इसी माध्यम से उनको जाना था, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन आज उम्र आप जब जिंदा है, जब संदेश को सुन रहे हैं, और इस समय अगर आपके जीवन में कोई दुख है, पीड़ा है, महामारी का प्रकोप है, संकट है, कोढ़ है, कैंसर है, कोविड-19 का शिकार है आप, तो ऐसे समय में वचन हमें कहता है कि तुम प्रार्थना करो, कहता है यदि तुम्हें कोई दुखी है तो आप प्रार्थना करें, और जितने लोग स्वस्थ हैं, जो अभी बीमार नहीं है, आप आनंद के साथ हैं, तो कहता है यदि आनंदित हैं, अगर आप खुश हैं कि आप बचे हुए हैं, तो कहता है वचन, तो स्तुति के भजन गाएं, परमेश्वर की आराधना करें, उसे गुणानुवाद करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया कि आज आप जीवितों के लोक में हैं, आपकी गिनती जीवितों के जीवित जनों के बीच भी किया जा रहा है, नहीं तो आप भी चले गए अपनी दुनिया से। तो अगर आनंदित हैं, अगर खुश हैं, स्वस्थ हैं, तो कहता है वचन कि आप स्तुति के गीत गाएं। संसारी कानून सबका मुंह को मोड़िए, जवान ज्योति हो, अगर आज आप स्वस्थ हैं बेटा बेटी, तो आप हमेशा परमेश्वर का भजन और स्तुति के गीत गाइए। हजारों हजार गीत हैं मसीह के महिमा के लिए, आप उन गीतों को गाइए। जब जब उन गीतों को गाएंगे, आप परमेश्वर का अनुग्रह को और अधिक प्राप्त करते जाएंगे। आज के शाम फिर हम दोहराना चाहते हैं कि ऐसे संकट के समय में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता हमारे लिए वो है प्रार्थना, वो है प्रार्थना करना परमेश्वर से। हम सुनते हैं ना, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। अभी हम जितने भी गवाहियां सुन रहे हैं, या सुने आप बहुत मदद सुन रहे हैं, अभी 54 लोगों की गवाहियां मेरे पास है, 54 लोगों की गवाहियां जिनको परमेश्वर ने इस महामारी से निकाला, संकट से निकाला, मृत्यु के फंदे से निकाला। इनके चारों तरफ मृत्यु का रस्सी था, क्योंकि कोविड-19 ऐसा भयंकर महामारी है जिससे बचना बड़ा मुश्किल है लोगों। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि इन लोगों के चारों तरफ भी मृत्यु का फंदा था। दाऊद कहता है मृत्यु के चारों से मुझे घेर रखी थी, मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे, पताल ग्रसों ने मुझे घेर रखा था। और लिखा है कि संकट में अपने समय मैंने यहोवा को पुकारा, और मैंने अपने प्रश्न की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातों को सुनी, और मैंने दुहाई से पास पहुंचकर उसके कानों पड़े। आपके लिए प्रार्थना की गई, आपने इस प्रार्थना में खुद को शामिल किया, और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को, आपकी प्रार्थनाओं को सुना, और प्रार्थना को सुनकर संकट से इन लोगों को निकाला। मेरे भाई बहनों जिन्होंने आज चंगाई पाया है, उस प्रार्थना में उन्होंने अपनी सहभागिता दी। आज हमारे लिए अवसर है के संकट में हम सीधे और सीधे हम परमेश्वर को पुकारें।
किसी का सहारा ना लें कि कोई हमारे लिए दुआ करेगा, कोई हमारे लिए प्रार्थना करेगा, इस पर ज्यादा आश्रित मत होइए, लेकिन सीधे सीधे आप खुद प्रार्थना करना सीखिए, खुद प्रार्थना कीजिए। देखा है ना, वह लाचार की प्रार्थनाओं को मुंह करता है और उनकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 102 का 17 पद में लिखा हुआ है, वह लाचार की प्रार्थनाओं को मुंह करता है। भजन 102 का 17 पद में लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 16:24 पद में, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु क्या कह रहा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। सचमुच मेरे भाई बहनों, अब कब आनंद प्राप्त करेंगे, जबकि इस समय आप बीमारी की हालत में हैं, मृत्यु के फंदे आपके चारों ओर घेरे हुए, आपको तभी आप आनंदित महसूस कीजिएगा जब आपको हीलिंग मिलेगा, चंगाई मिलेगा। और चंगाई कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह देगा। उसने कहा है, यहोवा ने कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने हमारी चंगाई को रख दिया है। देखा है ना, वो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है और जिस गड़े में, जिस मुसीबत में पड़े उसे उबारता है। वचन क्या है? वचन परमेश्वर। यूहन्ना पहला अध्याय का पहला पद में मिलता है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14 पद में लिखा, वचन देहधारी हुआ, मनुष्य बन गया और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसके ऐसे महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वचन स्वयं यीशु मसीह, स्वयं परमेश्वर, और यीशु मसीह के नाम में ही आज हमारे लिए चंगाई की घोषणा कर दी गई है। और जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं तो हमको चंगाई देता है। प्रभु कहता है, अब तक तुम्हें नाम से कुछ भी नहीं मांगा। हम सोचते हैं बहुत प्रार्थना हमने कर ली, बहुत प्रार्थना कर ली, हम ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन नहीं। प्रभु तो कह रहा है कि अब तक तूने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगिए, चंगाई पाइए ताकि आप आनंदित हो जाइए। यीशु मसीह ने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा हम सब आपसे किया है, यूहन्ना 14:13-14 पद। जब यीशु मसीह ने अपने विश्वासों से, अपने लोगों से, अपने पुकारने वालों से, अपने दास दासियों से, अपने बेटे बेटियों से बहुत बड़ी प्रतिज्ञा किया है। यूहन्ना 14:13 जब पढ़ेंगे, उसका 13-14 पद पढ़ेंगे, तुम्हारे साथ मिलेगा, उसके प्रतिज्ञा से मिलेगा। प्रभु कहता है, जो कुछ तुम्हें नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम्हें नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आगे लिखा, यदि तुम उससे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यह उसका वायदा है, उसका वायदा है। संकट यदि मुझे पुकार, प्रभु से कहता है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, आज तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मुझ जो कुछ तुमसे मांगोगे मैं वही करूंगा, वही मैं करूंगा, क्योंकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। अब तक तुमने ना उसे कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु कहता है, जो कुछ तुम्हें नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। यह उसका वायदा है, यह उसका अटल वचन है। तो आइए आज के शाम में हम मांगे, हम प्रार्थना करें। मांगना का मतलब प्रार्थना करना, इसलिए हम लोग प्रार्थना करें प्रभु से, और देखिए प्रभु चमत्कार करना आरंभ कर देगा। इस समय आपके जीवन से रोग चला जाएगा, मृत्यु का भय चला जाएगा, मृत्यु की रस्सी हट जाएगी, आपको चंगाई मिल जाएगा। इस समय आप जब हम लोग प्रार्थना करें, आप इस प्रार्थना में शामिल होइए, आप अपने मुंह खोलकर प्रभु को पुकारिए और प्रभु चंगाई देगा। इसी घड़ी जब वो हमारे मध्य में खड़ा है, जो जबकि समय वो आपके बगल खड़ा है, जब वो आपको देख रहा है, निहार रहा है, सिर्फ वो देखना चाहता है कि आप उसको मुंह खोलकर धन्यवाद दीजिए, आप उसको पुकारिए, वो प्रभु आपको आशीष देगा, वो तैयार है आपको आशीष देने के लिए। यीशु तरसमय है, यीशु तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे लिए 39 कोड़े खाए मेरे भाई बहनों, कि हम चंगे हो जाएं। ये विश्वास का वचन है, ये विश्वास करने की बात है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होंगे। अगर आज आपके पास ये विश्वास है कि यीशु मसीह कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, तो अभी इस समय राइट नाउ, इस समय आपको चंगाई मिल जाएगी, और कल आपकी गवाही यहाँ पर आ जाएगी, कल आपकी गवाही यहाँ पर आ जाएगी, और कल हम आपके नाम को पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने फलाने को चंगाई दे दिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय हम उन लोगों की प्रार्थना करेंगे जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से पीड़ित है। हालेलुया, बुरा बाबा बा शक्र बाबा, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद भगत आत्मा, धन्यवाद मरे यहोवा, हालेलुया। हमारे जीवित और महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, आज के सुंदर बेला में प्रभु
हम आपके चरणों में आते हैं और खुदावंद यीशु मसीह हम अपने प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रखते हैं। सचमुच तो ही है जो हमारा प्रार्थनाओं को सुनने वाला सच्चा परमेश्वर है। आपने कहा है कि मांगो और तुम्हें मिलेगा। आपने कहा है कि अब तक तुमने नाम से कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आपने हमसे वायदा भी किया है परमेश्वर कि जो कुछ तुम नाम से मांगोगे उसे मैं पूरा करूँगा। आज समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं आपसे प्रभु, क्योंकि तू ही है जो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। जो जिस परमेश्वर ने दाऊद को उसके मृत्यु के बंधन से छुड़ाया, जिसने उसके पुकार को सुनकर आशीषित किया, बचाया, आज वही परमेश्वर हमको बचाएगा, ये हमारा विश्वास है। हे यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, आज इस घड़ी आपका चंगा करने वाला सामर्थ आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम ऐसे हर एक पुत्र ने पाए, हर एक सुनने वालों पर इस तरह चंगा करने सामर्थ उतर आए यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है कि इसमें आपका अनुग्रह हम पर उतरेगा। हमने विश्वास कर इस बात को दोहराया प्रभु कि हमारे यीशु मसीह चंगा करेगा आपको। हालेलुया। हम प्रार्थना करते इस घड़ी इन तमाम सारे लोगों की इसका लिस्ट है इस समय हमारे हाथ में प्रभु। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रदीप किंडो के लिए जो प्रयातों का है, समीर को जो गुमला, मुकुल राहुल लेकर रांची, सपन दीप टोपो कटरू, स्मिता टोपो कटरू, ग्रेस टोपो कटरू, उत्तम बारा दिल्ली, सुशीला मिंच कोकर, एलिशा बिरता लकड़ा सिंगरौली, राकेश लकड़ा सिंगरौली, अनिमा लकड़ा तमिलनाडु, सुमेर कीर्ति गुमला, सीमा तिरकी गुमला, निरंतर कुजूर एवं उसकी बेटी कुतरा, इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। ये सारे लोग कोरोना वायरस का शिकार है पिता, ये मौत से जूझ रहे हैं पिता, डर और भय ने इनको ग्रसित कर रखा है पिता, इनका विश्वास जाने न पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इनका विश्वास जाने न पाए, अगर सब लोग तो विश्वास से माना न पाए, सब लोग कहें हे यीशु हम पर तरस खा, हे यीशु हम पर तरस खा, जिस प्रकार की वर्तमान ने चिल्लाया हे प्रभु दाऊद का नाम हम पर दया कर, उस पर दया कर, समय ये चिल्ला रहे पिता समय कि यीशु मसीह हम पर दया कर, चंगाई को भेज परमेश्वर, चंगाई को भेज परमेश्वर। आपने प्रतिज्ञा किया है प्रभु, इन्होंने सुना है आपकी प्रतिज्ञा को, आपने कहा कि जो कुछ तुम्हें नाम से मांगोगे उसे मैं करूंगा। हे प्रभु ये कहते हैं कि आपने चंगा कैसे परमेश्वर, यीशु मसीह ने इस COVID-19 से बाहर निकालिए, छू लीजिए परमेश्वर, अपने लहू से धोकर पाक को पवित्र कीजिए, क्षमा कीजिए और इनको चंगाई दीजिए। हमने लहू छपाते कल इनका गवाही आने पाए प्रभु, आप इनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए। हम हरे को आपके यहाँ सौंपते हैं, प्रदीप किंडो को, समीर कुजूर, मुकुल राहुल का, सपन दीप टोपो, स्मिता टोपो, गणेश टोपो, उत्तम बाड़ा, सुशीला मिंट, अलिसा मिर्जा लकड़ा, राकेश लकड़ा, अनिमा लकड़ा, रुमन कीर्ति, सीमा तिरकी, निरंतर कुजन से बेटी को फिर तू छू कर चंगाई दे परमेश्वर। धन्यवाद है क्योंकि आपने सचमुच स्पष्ट किया पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना है खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे प्रार्थना करते हैं मनोजनी हो रोग के लिए जो है साग किए, डेनिश की सुहाना सिटी, दीपा कुजूर कुमार बाग, सुशील कुजूर कुमार बाग, सुशील मिन चुड़ी टोला, अलिशन लकड़ा ITI, मावेद गुड़िया अरसंडे, डेनियल टोपो मांडर, कमिल टोपो बुड़मु, नदाल परिवार, माला सोलोमन, रीता पांडे उसका परिवार, आश्रय तिग्गा प्रेमनगर, अब्राहम डिंसेंट हेमराव बचरा, पॉलिस की और मानजी, अरविंद संदीप पूर्ति गंगौली, प्रतीक कुजू राउरकेला, मायखन मिंज राउरकेला, आजित मिंज राउरकेला, संदीप भेंगरा, संदीप सोरेन लखनऊ, बाधी सैमसोम नेमास्त्री की राउरकेला, वृंदर खालको, हे पिता इन तमाम लोगों को हम तेरे हाथ सौंपते हैं प्रभु। इनके आवाज़ को सुन ले पिता, इनके आंसुओं को देख परमेश्वर, इनके तकलीफ को देख पिता। आपने इसलिए 39 को रखा है परमेश्वर की ये भाई बहन भी चंगाई को प्राप्त करने पाए। ये सारे लोग पिता आज के वर्तमान के महामारी से पीड़ित हैं, कोरोना वायरस से पीड़ित हैं प्रभु, मृत्यु का भय को घबरा रहा है, किसी को श्वास लेने में तकलीफ है, किसी को ऑक्सीजन में रखा गया है, कोई घर में क्वारंटाइन है, ये परमेश्वर इन सारे लोगों के लिए आशीष मांगते हैं परमेश्वर। छुले टच द मास्टर, टच देम एंड हील देम राइट नाउ। इसे घड़ी छू कर चंगाई दे, हर एक को छू ले पिता। इसे घड़ी मनोजी होरो को, डेनिस त्रिकी को, दीपा कुजो, सुशील कुजो, सुशील मेज, अलिशा लकड़ा, मावेद गुड़िया, डेनियल टोपो, कमिल टोपो, नताल परिवार, माला सोलोमन, रीना पांडे उनके परिवार, आश्रय तिग्गा, अब्राहम विंसेंट हेमरोम, पॉलुस त्रिकी, अरविंद, संदीप पूर्ति, प्रतीक कुजूर, माइकल मेज, अजित मेज, संदीप सोरेन, प्रदीप सैमसोन नेमास त्रिकी और वीरेंद्र खालको को चंगाई से भर दे राजा। कल इनके गवाहियां आने पाए प्रभु, ताकि और सुनने वाले लोगों का विश्वास आपके प्रति और बढ़े पिता। प्रभु हरेक को चंगाई दे परमेश्वर, किसी का प्रार्थना मत सुना ना कर प्रभु। आप तो लाचार की प्रार्थनाओं को मुंह करते हैं और उनके प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानते हैं। सारे लोग इसमें लाचार है पिता, विवश है, अकेले रहने में विवश है, अपने काम करने में विवश है पिता। ये तो मौत से जूझ रहे परमेश्वर,
निकाल इनको मौत से बाहर ताकि ये तेरा गवाह बन जाए। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं निल्सन हेमंत बारला कृषि फार्म, सिफा निशल बारला कृषि फार्म, अनु दीपन खेश अंबी कपूर, आशीष बेंगरा चुड़ी टोला, सुशील कच्छप घटिया, प्रभात एक्का गर्जा सिमडेगा, लियोनार्ड टोपो रांची और संजय बारला प्रेमनगर, अरुण दास उज्ज्वल तिरके नया टोली, पूनम कुजु बसर टोली, उत्तम कुजु बसर टोली, हे पिता हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। सारे के सारे लोग कोविड से परेशान है पिता, और लेनो टोपो तो पिता परमेश्वर इसको स्ट्रोक आया है, मुझे पैरालिसिस का शिकार हो गए हैं, टाइफाइड भी इनको हो चुका है, प्रभु इन सारे बीमारों से लेनोट को चंगाई दे परमेश्वर पिता, लेनो टोपो को चंगाई दे पिता, साथ ही साथ प्रभु इन सब लोगों को जिनका नाम भी मैंने पढ़ा लव उठा दो पिता, हरे को चंगाई दे, हरे को छुटकारा दे, हरे को मृत्यु के पंथ से बचा ले परमेश्वर। ये कहाँ जाएंगे स्वामी, ये आपके छोड़ आपको छोड़ कहाँ जाएंगे, इन्होंने आपका नाम को लिया है। पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर जो प्रभु का नाम देगा वह उद्धार पाएगा, तब यीशु मसीह इन्हें उद्धार का आशीष दे, मृत्यु का फंदे से बचा, चंगाई दे ताकि चंगाई पाकर आपका धन्यवाद कर सके। किसी घड़ी यीशु मसीह नसन हेमंत बारला को छू ले, सिफा निशेल बारला को छू लीजिए, अनु दीपन खेस को स्पर्श कीजिए, आशीष भेंगरा को छू कर चंगाई दे, सुशील के चर को स्पर्श कर परमेश्वर, प्रभात देखा को छू, आप इधर लिनोट टोपो को पूंदा चंगाई दे, संजय बाबा जो संकट में उसको चंगाई दे परमेश्वर पिता, अरुण दास को स्पर्श कर, उज्ज्वल तिर्की को छू ले, पूनम कुजूर को छू ले, उत्तम कुजूर को छू ले, ताकि प्रभु ये सब लोग तेरे स्पर्श का अनुभव करके चंगाई पाने पाए, इनका जीवन प्रभु एक तेरी गवाही के लिए होने पाए। आशीषित कर पिता, विश्वास है कि ने तू कोविड-19 से निकाला है, ये सारे लोग पिता महामारी के संक्रमण में है पिता, कोरोना का संक्रमण है पिता, इन्हें चंगाई के आशीष से घेर ले पिता। पौलिना भुजा जो कोविड से चंगाई प्राप्त कर लिए पिता, ये आपको धन्यवाद देना चाहती है इसी घड़ी, हाँ प्रभु जी हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने पौलिना भुजा को कोविड-19 से चंगाई दे दिया है, इसी घड़ी इसका सूचना आती है प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने पौलिना भुजा पर तरस खाया, उसको मृत्यु के फंदे से निकाला है, पूरा घराना आपको धन्यवाद देता है, बंद के धन्यवाद भेंट को आप स्वीकार कर लीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, इसमें प्रार्थना करते हैं इतवारी तिथि के लिए जो बीमार है परमेश्वर पिता, मनीषा बुजुर्ग के लिए जो सर्दी निमोनिया से कमजोरी से परेशान है परमेश्वर पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं इतवारी तिथि को उसकी बीमारी से बाहर निकाल, मनीषा कुजूर को उसका निमोनिया से सर्दी निमोन से बाहर निकाल परमेश्वर, ताकि बिल्कुल स्वस्थ होकर आपका धन्यवाद कर सके, हम इन दोनों को हम आपके लहू में ढांपते हैं परमेश्वर पिता, छूकर चंगाई दीजिए, सचमुच छूकर आपने छुआ है परमेश्वर, विश्वास है कल इनकी गवाही आएगी, आपको धन्यवाद सदा हो। प्रभु प्रार्थना करते हैं सोनाली कुंगाड़ी जो तोड़पा की है, सर्दी खांसी बुखार जो ने का एवं प्रभाव कहला, सर्दी खांसी बुखार, अनुराग कमल तिरकी हिंदपीढ़ी खांसी, अंकित तिरकी सेमा टोली टाइफॉइड, पौलिना भुजा को जिसको आपने चंगाई दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सेवाती तिका सिमटेगा जो कैंसर से पीड़ित है, हाँ इसके लिए प्रार्थना करते हैं, रोशन क्रिकेटर नाम को वायरल फीवर, मदन क्रिकेटर नाम को वायरल फीवर, कल्पना हैलानी कैंसर नाम को एक बहन कहते हैं कल्पना हैलानी कैंसर, रेशमा पांडा टंगा टोली शरीर में दर्द, सहून लकड़ा एयर शरीर कमजोरी, उषा सालम लकड़ा हम गाँव बुखार कमजोरी, अलिशा तोपन लखनऊ स्वस्थ लाभ के लिए, शोभे तिरकी लांजी बेरना परिवार के स्वस्थ लाभ के लिए, अभिकेल लकड़ा चार बस से बोल नहीं चल नहीं सकती पिता इसकी चंगाई के लिए, तुलार तिका गैस्ट्रिक पीड़ित है, एरोन लकड़ा कमजोरी, विश्वासी टोपो कबू पैरालिसिस, प्रचारक ज्योतिष तिका कैमटे पैरालिसिस, सामो पोल तोपनो बिंद्रपुर कोरोना वायरस चंगाई के लिए बचाव के लिए, पवन सुदीप टोपनो जयबाग कोरोना से बचाव के लिए, शोभन गाड़ी फुलवारी शरीफ पटना अच्छे स्वस्थ के लिए पिता, इन लोगों का हम तेरे हाथ सुपुर्द करते हैं, इन लोगों को हम तेरे हाथ सुपुर्द करते हैं परमेश्वर, इसलिए छू ले इनको इनके वायरल फीवर से, खांसी सर्दी बुखार से, टाइफाइड से, फेफड़े के संक्रमण से, कैंसर से चंगाई दे पिता, सब लोग स्वस्थ पाए जाए, इनका स्वस्थ प्रकार रहे पिता, हम सब लोगों को तेरे हाथ सौंपते हैं परमेश्वर पिता, इससे मैं सोनाली कुंगाड़ी को स्पर्श कीजिए, जोन जोन एक्का को स्पर्श कीजिए, अनुराग कमल तिरकी को स्पर्श कीजिए, अंकित तिरकी पुनर्द भूया सेवाती तिगा को स्पर्श कीजिए पिता, मदन करकट्टा कल्पना हेलानी रेशमा बांटरा सहुन लकड़ा उषा सौलोम को स्पर्श कर परमेश्वर पिता, अलिशा टोपनो शोभे तिरकी अभिगल लकड़ा दुलाल सबको स्पर्श कर परमेश्वर, अरुण लकड़ा विश्वासी टोपनो प्रचारक जो तिगा सामणो पौल टोपनो पवन सुदीप टोपनो शोभे गाड़ी इन सबको स्पर्श कर प्रभु, क्योंकि आपका एक स्पर्श इन्हें चंगाई देगा। पवित्रात्मा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, पवित्रात्मा मेरे स्वामी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इन सबों के स्पर्श कीजिए प्रभु,
आपका एक इस वचन चंगाई देगा, विश्वास करता हूँ। धन्यवाद स्वामी, आपने छुआ है, ये हमारा विश्वास है। परमेश्वर आपको धन्यवाद सदा हो, आपकी महिमा सदा हो, आपकी स्तुति सदा हो। यहोवा हालेलुया, प्रार्थना करते हैं रोजी ग्रेस साई तिर्की के लिए जो बीमारी से पीड़ित है, रेणुका सोनिया नाम इसको सेफ डिलीवरी के लिए प्रार्थना कर सकता है, नैन्सी सेठ अहमदाबाद वायरल बुखार, जुलियाना सेठ अहमदाबाद वायरल फीवर, मिशेल क्रिश्चियन अहमदाबाद वायरल फीवर, अनुग्रह लकड़ा शिकवार बुखार, रेंसन टोपो कोंड्रा बुखार, रशिका टोपनो चूनवा टोली हाइपर टेंशन डायबिटीज और ट्यूबरकुलोसिस, रोशनी में लोहा दगा बार बार टाइफाइड हो रहा है, संजित कुजूर और केला टाइफॉइड, अनुग्रह लकड़ा तेज बुखार, विश्रामी हेमरोम सिर दर्द नस की कमजोरी, पूनम ज्योति गुड़िया लोवाडी शारीरिक तकलीफ है, रुबेन कश्यप वेटनरी चक्र आने की बीमारी, सारोण लकड़ा परिवार के लिए प्रार्थना, दीपू एपिलेप्सी मिर्गे से परेशान है, तारामणि तिर्की तबियत ठीक नहीं है, शीला तिर्की उसकी भी तबियत ठीक नहीं है, अनिल खाल को भी बीमार है, इन सब में प्रार्थना करना है परमेश्वर। बिलकंद क्रिकेटर और केला उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, तबियत खराब होता है, सुजीत जसवाल उसके पिता के पैर में दर्द है, पत्नी के पेट में दर्द की शिकायत है, खुद वो बिजनेस उसका बिजनेस डाउन चल रहा है। हे परमेश्वर इन सब लोगों के प्रार्थना करते हैं, यानी प्रभु इनके समस्याओं को आपने सुना है परमेश्वर पिता, अभी इसमें कोई बीमार है, कोई पिता डिलीवरी के लिए प्रार्थना निवेदन करता है, कोई पिता परमेश्वर हाइपर टेंशन डायबिटीज से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना निवेदन भेजता है। हाँ पिता, किसी को नस का दर्द है, किसी को सर में दर्द है, किसी को चक्कर आने की बीमारी है, किसी को मिर्गी है, हे पिता किसी का पेट में दर्द है, किसी को पैर में दर्द है, पिता प्रभु ये सारे लोग किसी न किसी बीमारी से परेशान है, परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ इसी घड़ी छू ले परमेश्वर, मैं आपका दाह सिर के लिए दुआ करता हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर, इनके प्रार्थना को सुन, इनके आंसुओं को पूछ, इन्हें चंगाई दे परमेश्वर, ताकि कल अपनी गवाही पेश कर सके परमेश्वर पिता, और इस तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। स्वामी जब कोई गवाही देता है तो आपके नाम को महिमा देता है परमेश्वर, स्वामी इनको आशीषित करता कि दुनिया के अंदर खड़े होकर जहाँ कहीं भी रहते हैं परमेश्वर पर खड़ा होकर यह कह सके कि हमने परमेश्वर को पुकारा और हमारे यीशु मसीह ने हमें चंगाई का आशीष घेर लिया। हालेलुया, प्रभु आपको धन्यवाद। इससे घड़ी रोजे गिरीश से शाहिद तिर्की को, रेणुका सोनिया नाग को, नैन्सी सेठ को, जुलियाना सेठ को, मिशेल क्रिश्चियन को, अनुग्रह रेंसन टोपो को, रशिका टोपनो दोस्ती बीच, संजीत गुजूर, अनुग्रह लकड़ा, विश्रामी हेमरोम, पूनम ज्योति गुड़िया, रुबेन कच्छप, सारोन लकड़ा, दीपू तरामणि तिर्की, शीला तिर्की, अनिल खालको, बिलकन क्रिकेटा, सुजीत जसवाल, इन सारे लोग को स्पर्श कर प्रभु, इनके परिवार को स्पर्श कर, ताकि बिल्कुल स्वस्थ हो जाए परमेश्वर पिता, अपने लहू में ढांपते हैं परमेश्वर, एक एक पता अनुग्रह का सारी बीमारियां इनके देह को छोड़कर जाने पाए। प्रार्थना करते हैं मगदली के लिए जो चक्रधरपुर की जिसके मसूड़े में दर्द है, भवन सिंधे पुणे महाराष्ट्र वो COVID-19 का शिकार है, मदन क्रिकेटर नाम को वायरल फीवर है, गांगी क्रिकेटर नाम को वायरल फीवर से पीड़ित है, सुशांत क्रिकेटर नाम को वायरल फीवर से पीड़ित है, सोबेन कुजूर कलकत्ता बीपी से ग्रसित है, अमर लकड़ा बुखार है, सफीरा मिज लंजीवेरा सर्दी खांसी बुखार है, निस्तार ICU में बाहर एडमिट है। पिता इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके समस्याओं से इन्हें निजात दे, इनके रोगों का हर ले जा प्रभु। हाँ पिता अपने कोड़े खाने को याद कर और अपने बेटे बेटियों की आवाज़ को सुन ले परमेश्वर, इसमें तुझे पुकारते हैं, इस प्रार्थना में अपने आप को जोड़े हैं परमेश्वर, छुरे 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 इनको ताकि बिल्कुल स्वस्थ हो जाए पिता। निस्तार को जो ICU में है उसको जस्ट बाहर निकाल परमेश्वर पिता, वो स्वस्थ होकर बाहर निकले और ये निस्तार भाई आपका धन्यवाद कर सके। हालेलुया, प्रभु की महिमा सदा हो, परमेश्वर धन्यवाद सदा। इस घड़ी मगदली बहन को उसके मसूरी दर से चंगाई दीजिए, भवन सिंधे को कोविड बाहर निकालिए पिता, और मदन क्रिकेटा को वायरल फीवर से, गांगी क्रिकेटा को वायरल फीवर से, सुशांत क्रिकेटा को वायरल फीवर से बाहर निकाल, सुबेन कुजूर कलकत्ता उसको बीपी से जो ग्रसित है हाई बीपी से इसको बाहर निकाल प्रभु, चंगाई दे, अमर लकड़ा कि बुखार से उसको छुटकारा दे, सफेद आमिज को सर्दी खांसी बुखार से, और निस्तार भाई को ICU से बाहर निकाल, सबको चंगाई दे ताकि सब लोग चंगाई पाकर आपका धन्यवाद कर सके, आपकी महिमा आपकी तारीफ कर सके। प्रभु जो कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, शशि वर्ता बाड़ा के लिए और अमित धान की प्रार्थना करता हूँ जो कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं प्रभु जी, अब इन दोनों को आपके लहू छिपाते हैं, इनके जीवन की सुरक्षा करना पिता, जैसे आपने पहले के लोगों के लिए इनके लिए प्रार्थना की गई, आज तक उनको संभाला है पिता, सर इन दोनों को भी संभाल ताकि सुरक्षित पाए जाएँ, हम इनको आपके लहू छिपाते हैं प्रभु, इनको कोरोना छूने न पाए पिता, हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जिनको हमने चंगाई दिया परमेश्वर, हम उनके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हमेशा स्वस्थ रहने पाए और तेरे विश्वास में मजबूत पाए जाएं, और जिनके लिए हम प्रार्थना जो कोविड का शिकार है पिता परमेश्वर
और जो वायरल फीवर से पीड़ित हैं और जो पिता परमेश्वर अन्य रोगों से पीड़ित हैं, हम सब इनके लिए प्रार्थना किया, सबको चंगाई दे परमेश्वर पिता, ताकि सब चंगाई पाकर आपका धन्यवाद कर सके। इस समय सिक्की पी से एक और निवेदन आता है, ब्रह्म मंगल जी का सिर में दर्द है, छुरे इस बहन को, सर के दर्द को हटा दे परमेश्वर, इसी घड़ी छूकर चंगाई दे परमेश्वर। हम मंगल जी को तेरे हाथ सौंपते हैं, चंगाई का से घेर ले, जो चिकित्सा के सिक्के पी के चंगाई दीजिए, बिलचुस लकड़ा रोग केला COVID-19 का शिकार है पिता, इसमें इसका निवेदन आता है परमेश्वर पिता, हम बिलचुस लकड़ा को हम तेरे हाथ सुपूत करते हैं, COVID-19 से बाहर निकाल, चंगाई से घेर ले परमेश्वर पिता, चंगाई से घेर ले परमेश्वर पिता, ताकि सब चंगाई पाकर आपका धन्यवाद कर सके। परमेश्वर जो अधिकार आपने हमको दिया है परमेश्वर, उस अधिकार के साथ मैं इस समय उस COVID-19 को जो इन लोगों को जकड़े हुआ है, वायरल फीवर को, पैरालिसिस को, कैंसर को, जो इन लोगों के नाम पर आ गया, आपको जकड़ा हुआ है, उन सारे लोगों के ऊपर जो ये बीमारी जकड़ा हुआ है, इस बीमारी को, इस संक्रमण को, इस COVID-19 का वायरस को हम इस यीशु के नाम से गुड़कते हैं और हुक्म देते हैं, निकल इनके दिल से बाहर और कभी इनके जीवन प्रवेश मत कर। हम सबको यीशु मसीह के धन्य लोग छिपा देते हैं, तब वो एक एक जीवन का हिफाजत कर। हालेलुया, आपने चंगाई दिया, धन्यवाद देते हैं। इसमें हम प्रार्थना करते हैं जॉनसन टीका के लिए, जो प्रेम नगर के निवासी है, जो COVID-19 का शिकार है, और प्रत्येक टीका प्रेम नगर COVID-19 शिकार है। हाँ पिता, ये महामारी के चपेट में आ गए हैं प्रभु, इसी घड़ी भाई जॉनसन टीका को, प्रत्येक टीका को हम तेरे हाथ से पूर करते हैं, छुटकारा दीजिए परमेश्वर, चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता, ये सब चंगाई पाकर आपका धन्यवाद कर सके। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, जॉनसन टीका और प्रत्येक टीका को चंगाई दिया, हम इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, आपने हम सबों की प्रार्थना को सुना पिता, और आपने आज के जीवन से हर एक के जीवन से ईमान को अलग किया है, अब ये बच जाएंगे, हमारे विश्वास है इसमें से किसी की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि हाँ पिता आपने प्रार्थना को सुना है और चंगाई दिया है, इसलिए किसी की मृत्यु नहीं होगी, आप सबको बचाएंगे पिता, सब आपका धन्यवादी बनेंगे परमेश्वर, हर एक जन को आप अपना गवाह बना दे परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते हैं, सारी कवर सारा गौरव आप देते हैं पिता, इस आने वाले रात्रि काल के लिए आप प्रार्थना करते हैं, इस रात्रि काल में हर एक सुनने वाले के साथ हो, हम सबों के साथ हो परमेश्वर पिता, ताकि इस रात्रि काल हमारे कुशल मंगल बीत जाए, कोई भी महामारी हमें से किसी को स्पर्श न कर पाए, जितने स्वस्थ लोग हैं उनको अपने लहू में छिपा रखे, ताकि ये किसी प्रकार का वायरस दिखा न पाए, ना होने पाए, और जितने बीमार हैं उनको अपने लमठाते को पूर्णतः चंगाई प्राप्त करने पाए। सारी महिमा आप देते हैं, कलिशा के लोगों की प्रार्थना है, कलिशा के अगुओं के लिए, जब वो बिशप होंगे, जब वो पात्र पुरोहित होंगे, पास्टर्स होंगे, और पिता कलिशा के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बेस लेवल के, मंडल लेवल के जो अधिकारी हैं, एसएस लेवल के जो अधिकारी हैं, चाहे वो सचिव के पद पर हैं, चाहे वो कोषाध्यक्ष के पद पर हैं, चाहे वो पिता सहायक सहायक सचिव के पद पर हैं, चाहे वह प्रचारक के पद पर हैं, चाहे पिता युवा संघ के कोऑर्डिनेटर के पद पर हैं, चाहे महिला संघ के कोऑर्डिनेटर के पद पर हैं, चाहे महिला संघ के अधिकारी हैं, चाहे युवा संघ के अधिकारी, चाहे संजय स्कूल के शिक्षकगण हैं, पिता हर एक के लिए ही प्रार्थना करते हैं, हर एक को स्पर्श कर, अपने प्रियजनों को जिसको आपने चुना है पिता सुखाई के लिए, जिन्हें अब तक अपने सुरक्षित रखा है परमेश्वर, एक एक को अपने लहू में छिपा ले, ताकि सर्व सुरक्षित पाए जाएं और इस संसार में तेरे गवाही के लिए सचमुच खड़ा होने पाए, लोगों के पीछे सुसमाचार प्रचार करने के लिए खड़ा होने पाए परमेश्वर, एक एक को आशीष कर। हाँ पिता, जितने भी पुरोहितगण हैं उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इनके परिवारों में किसी भी पुरोहित के परिवार में गरीबी ना आने पाए, किसी के परिवार के बाल बच्चे बिगड़े हुए ना हो पिता, हर एक के परिवार में आशीष के बारे आशीष के बारिश कर, ताकि हर एक पुरोहितगण पिता सुरक्षित पाए जाए। हाँ पिता, घटी कभी उनका जीवन कभी न होने पाए, उन्होंने अपना जीवन आपके सरकार में समर्पित किया प्रभु, इसलिए पिता उनके जीवन में उनके परिवार में आपका अनुग्रह छाए करते रहने पाए। हम अपने स्थानीय मंडली के पैरिश के चेयरमैन के लिए प्रार्थना करते हैं, रेवरेंड नथनील लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके धर्मपत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस छोटा सा परिवार को पत्र हाथ हमेशा बजा रहने पाए, इनका भंडार कभी खाली न होने पाए, कभी भी आर्थिक तंगी इनके जीवन में आने ना पाए, और जिस सेवकाई के लिए आपने चुना है परमेश्वर पास्टर शायद कुमारी साहब को, उस सेवकाई को यह अच्छे से पूरा करने पाए, अपने जीवन ग्रंथ पिता ये आपका सच्चा दास बनकर, सच्चा सेवक होकर, आपका सेवा काम को जो आपने उसको दिया है वो पूरा करने पाए, इसके सरकार के द्वारा बहुत सारे लोग इस मसीह आपको जानने पाए, आपको था कथा ग्रहण करने पाए पिता, इस्तेमाल कीजिए अपने सेवक को, सारी महिमा आपको देते हैं पिता, सारा गौरव प्रभु जी आपको देते हैं, जो मांगा अथवा नहीं मांगा यह हमारा विश्वास है कि आपने दिया है। पुनः एक बार इस नए भवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो निर्माणाधीन है, काम चल रहा है प्रभु, जो भी काम हो रहा है, एक एक काम तेरी इच्छा को सामने पाए प्रभु जी, तेरी मर्जी से बनने पाए, चूंकि भवन आपका है, घर आपका है परमेश्वर, इसलिए यहाँ पर केवल और केवल तेरी मर्जी पूरी हो जाए, और जो आर्थिक तंगी का हम अभी सामना करें
करें प्रभु, होने दे कि बहुत जल्द हमें डायसिस लेवल से पैसा मिल जाए या विश्वासों के हाथ से पैसा मिल जाए ताकि जो खर्च लंबित है वो पूरा किया जा सके। परमेश्वर पिता, आप यहोवा ही रहे हैं उपाय करने वाला परमेश्वर, आप उपाय करेंगे ये हमारा विश्वास है, और जल्द से जल्द ये भवन बनेगा ये हमारा अटूट विश्वास है। सारी महिमा आपको देते हैं, बापू के लिए माफी भी मांगते हैं, भूल चुक हमसे जो भी गलती हमसे माफी भी चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम दीनता की प्रार्थना को मांगते हैं, प्रार्थना सुने आप दास ग्रहण कर लीजिए, आमीन और आमीन। हम लोग खड़ा हो जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे, सब लोग अपने सामने खड़े हो जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना से हम लोग अंत करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरे स्वर्ग स्थिति पर भी पूरी होवे, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर को सहभागिता हम सब के साथ सबदा रहे, आमीन। हा